नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में। पूछे अपना सवाल जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जी सी श्रोतिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्वागत है। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कॉलर से, अनुज सिंह जी से, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो मैम, अनुज सिंह जी बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ, दे रही है। सर, आप वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? यस मैडम। जी सर, पूछिए अपना सवाल। सवाल जो हमें वर्मी कंपोस्ट खाद और जैविक रासायनिक खाद से अच्छी बता रहे हैं, उनमें क्या फर्क है? अनुज सिंह जी, जो ये वर्मी कंपोस्ट यानी जो केंचुए से बनी खाद है, उसमें जो साधारण तौर पे हम कंपोस्ट बनाते हैं या गोबर की खाद है, उससे जो पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, वो लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा होते हैं। सर, अगर हम उनको प्रतिशत के हिसाब से देखें तो नाइट्रोजन इसमें 1 से 2.5% तक मिल जाएगा। फास्फोरस देखें तो वो भी 1 से 1.5% हो जाएगा। अगर पोटाश देखें तो वो भी 2 से 3% हो जाएगा। इस तरह दूसरी जो देशी खादें हैं, खास करके कंपोस्ट या गोबर की खाद, उसमें लगभग इनसे आधा या 1/3 पोषक तत्व, जो ये मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो पोटाश की मात्रा है। इसके अलावा सारे सूक्ष्म तत्व भी इस खाद में संरक्षित हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी जो हम खादें बनाते हैं बाहर, उसमें बहुत सा तत्व हवा में उड़ जाता है या नष्ट हो जाता है, या बहुत अच्छी तरह से खाद गलती नहीं, सड़ती नहीं, तो वो संरक्षित नहीं रहते हैं। तो ये इसका सबसे है कि इसमें फिर दीमक नहीं लगती। दूसरी खादों में आपने देखा होगा बहुत सी बार दीमक लगती है, खरपतवार के बीज भी उनमें शामिल हो जाते हैं, तो ये इसमें नहीं है। जो केंचुए हमारे, जो भी हम जैव पदार्थ इसमें डालते हैं केंचुआ खाद बनाने में, उसका उपयोग करके एकदम पूरी तरह से उसे डिकम्पोज करके तब तैयार करते हैं, तो इसमें न तो खरपतवार है, न और कोई फफूंद है, न दीमक आदि का खतरा है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। सर, अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें या फिर हम खेत की तैयारी की बात करें, तो खेत की तैयारी करते वक्त जो है वो वर्मी कंपोस्ट से खेत की तैयारी कर सकते हैं, तो कितनी मात्रा में देनी चाहिए? वर्मी कंपोस्ट की मात्रा तो 2 से 3 टन प्रति एकड़ हो सकती है। जी, 2 से 3 टन। जब आप देशी खाद लगाते हैं तो अक्सर हम सिफारिश करते हैं कि 8 से 10 टन खाद डालें। जी, तो आप देखिए कि 1/4 लगभग वर्मी कंपोस्ट डालने से ही हमें वो सारी ताकत, वो सारे गुण, वो सारे फायदे प्राप्त हो गए जो हमें 4 गुना खाद देशी खाद से। और उसमें बहुत सी बार हम दीमक भी खेत में ले जाते हैं अगर अच्छी तरह से सड़ी नहीं नहीं है। जी, बहुत सी बार हम खरपतवार के बीज भी उस खाद के साथ ले जाते हैं। जी, तो दूसरी समस्याएं भी हम साथ ले जाते हैं। जी, तो इसमें इन सब समस्याओं का निवारण है। तो सब लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपोस्ट बनाना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद जिसको हम कहते हैं, और इसका उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, मनोज जी से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, मनोज जी बात कर रहे हैं। हाँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी नमस्कार सर, आपका सवाल आया था। जी मैडम। जी सर, पूछे अपने सवाल। मैडम, मैंने पोल्ट्री फार्म पूछा था, उसमें मैंने कुछ लगाना है, तो उसके लिए सब्सिडी क्या है वगैरह, ये पूछना था। जी सर, पोल्ट्री फार्म बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं? जी मनोज भाई, जो मुर्गी पालन का काम आप करना चाहते हैं खेती के अलावा, तो ये अतिरिक्त आमदनी के लिए आपका बहुत अच्छा प्रयत्न रहेगा। सब्सिडी की जहाँ तक बात है, तो आप अपने यहाँ जिले में पशुपालन अधिकारी जो हैं उनसे
दे दें कि राजस्थान के सरकार की तरफ से क्या इसमें सुविधा मिल रही है और क्या अनुसंधान है। और जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है तो खास करके पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं राजस्थान में, आपके ज़िले में भी होंगे, वहाँ संपर्क कर लें। और अगर तकनीकी सहायता कुछ चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र जो डूंगरपुर में है उससे संपर्क कर लें। उदयपुर आपके पास ही है तो वहाँ पर जो पशुपालन विभाग है कृषि महाविद्यालय का या विश्वविद्यालय का, वहाँ के पोल्ट्री का भी अध्ययन कर लें आप। और वहाँ भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जो वहाँ के विश्वविद्यालय में विस्तार निदेशालय है तो उनसे भी आप संपर्क करके प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लीही जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, हेलो, लीही जी बात कर रहे हैं। जी जी मैम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार मैम। सर, आपका सवाल आया था व्हाट्सएप के जरिए। जी जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल था कि मैं हाइड्रोपोनिक्स मशीन और हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउस लगाना चाहता है। जी अली जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप इस तरह के उन्नत विधि का सोच रहे हैं। और हाइड्रोपोनिक से जो आपने कहा कि आप प्रतिदिन 1000 किलो हरियाली भी पैदा करना चाहते हैं, तो ये तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप साल भर एक हरा चारा आप इन मशीनों के द्वारा ले सकते हैं। ज़्यादातर ये मशीनें महाराष्ट्र और कर्नाटका में इनके निर्माता हैं। जो हाइड्रोपोनिक्स के जो ग्रास पैदा करते वो सप्लीमेंट्री फूड है या मुझे पेरिनियल, ये दोनों पद्धतियाँ आपको एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि आप हरा चारा देंगे ही नहीं, हरा चारा देंगे तो सूखा चारा भी देना होगा। सिर्फ हरा चारा खिलाने खिलाने से ही अगर काम चलता है तो पशु बीमार हो जाएगा, खास करके गैस पेट में बनना और ये काम हो जाएंगे। तो एक निश्चित मात्रा में सूखा चारा भी चाहिए और हरा चारा भी चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर, अगर हम पॉली हाउस की बात करें तो पॉली हाउस एक तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें कि बेहतर कर सकते हैं खेती। पॉली हाउस और हाइड्रोपोनिक दोनों साथ में मिल जाए तो कितना फ़ायदा होगा? जो हम हाइड्रोपोनिक से लगा रहे हैं तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि उन्हें हम पॉली हाउस में लगाएं। जी। इनके चैम्बर बाहर खुली हवा में भी होते हैं, वो चैम्बर ही अपने आप में पर्याप्त होते हैं कि वो तापमान उसको बनाए रखें और दें। पॉली हाउस लगाने से हमने खर्चा और कर दिया। जी। तो यहाँ तो हम चारा उगा रहे हैं तो हमें सस्ते भाव का उत्पाद चाहिए। जी। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। केचुए बनाने की विधि में ये जो खेत में बनाने का रहता है, खेत में आपके टीवी द्वारा जानकारी दीजिए। केचुए किसी भी तरह के रसायन के ज्यादा उपयोग में आने से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपने सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, मध्य प्रदेश में जो रहते हैं यादव राज जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, यादव राज जी बात कर रहे हैं। जी मैम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैडम, नमस्ते। सर, आपका सवाल आया था, आप केचुए बनाने की विधि जानना चाहते हैं। जी मैडम। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैडम, केचुए बनाने की विधि में ये जो खेत में बनाने का रहता है, खेत में आपके टीवी द्वारा जानकारी दी थी। जी जी मैडम, इसमें अगर हम दवाई छीट देंगे, कीटनाशक दवाई, जी, तो केचुए नहीं मरेंगे? केचुए किसी भी तरह के रसायन के ज्यादा उपयोग में आने से उनके संख्या को नुकसान होगा, क्योंकि जो केंचुए की खुराक है वो तो जीवांश है। ये जो केंचुआ जो अपनी खुराक लेते हैं, तो कोई भी फसल का जो अवशेष है या कोई भी वनस्पतिक चीज है वो इनके खुराक है। तो खेत में जीवांश की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और केंचुए पर आप ज़्यादा रसायन का उपयोग करेंगे तो उन अभी आप देखेंगे कि केंचुए खेत में है ही नहीं। केंचुए वहीं हैं जहाँ हमारा पुरातन
या जैविक खेती का काम हो रहा है, तो जब जैविक खेती में अपन करेंगे तभी केंचुओं का अपन संरक्षण कर सकेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, प्रसन्ना जी से, जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो प्रसन्ना जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ बोलिए। सर आपका सवाल आया था, हाँ, अनार और सीताफल से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं। हाँ जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, अनार में जैसे फल बीच से फट जाता है जी, और सीताफल का जो फ्रूट है वो पेड़ में ही ब्राउन हो जाता है, सूख जाता है जी। प्रसन्ना जी, अनार का जो फटना है वो ज़्यादातर दो कारण से हो सकता है। एक तो ये कि अगर बोरोन की कमी है तो अनार फटने की संभावना रहती है, बोरोन तत्व की। बोरेक्स का आप छिड़काव कर सकते हैं, 5 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर छिड़काव करें तो फायदा रहता है, इसमें बोरोन का तत्व मिल जाता है। जड़ में डालना पड़ेगा नहीं, पत्तों पे छिड़काव करना है। जब छिड़काव हम करते हैं तो जड़ में नहीं डालते, बोरेक्स अगर सीधा डालना है तो मात्रा बढ़ जाती है और बुआई के समय जमीन में डाल सकते हैं। लेकिन आपका तो, और जब साल में दूसरी खाद दे रहे हैं उसके साथ दे सकते हैं, लेकिन जब छिड़काव कर रहे हैं तो पूरे पौधे पे करना है, तो बोरोन की कमी दूर हो जाएगी। जो फूल या कलियाँ बनती हैं वो, उनका अगर बढ़वार रुक जाता है तो भी बोरोन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर कोई बीमारी है, भूरापन है और उसमें कोई फंगस फफूंद है तो वो अलग बात हो जाएगी। तो वो आप एक नमूना, और एक है जो सीताफल का जो बीच का लेयर होता है उसमें वाइट कीड़ा पड़ जाता है। हाँ कीड़ा, तो कीड़े, यही मैं कह रहा हूँ कि समय समय पर आप बीमारी और कीड़े का भी ध्यान रखें तो वो लाभदायक रहेगा। और इसके लिए आप स्थानीय अपने बागवानी के जो विभाग हैं वहाँ से भी संपर्क करते रहें, क्योंकि कीड़ा लगना या बीमारी लगना आखिर में तो फसल उत्पादन पे ही असर डालेगा। जब कीड़ा अंदर चला गया तो फल तो बड़ा होने वाला नहीं है और ख़राब भी होने वाला है, तो ये सावधानी रखनी है। और कीड़े पे आप दवा छिड़क सकते हैं, कौन सी दवा वहाँ उपलब्ध है, नुवाक्रॉन खास करके हम छिड़क सकते हैं इसके लिए, पर ये कौन सी अवस्था और कैसा है स्थानीय आप संपर्क कर लें कीड़ों के रोकथाम के लिए। और जो पोषक तत्व की कमी से जो बीमारियां आ जाती हैं वो अलग हो जाती हैं, वो अपना अलग रंग छोड़ती हैं और पौधे की बढ़वार रोकती हैं और फल को भी छोटा कर देती हैं, तो वहाँ ये निश्चित कर लीजिए। ज़्यादातर मुझे बोरोन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो ये बोरेक्स डालने पर ये कमी दूर हो सकती है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। दोस्तों आप लोगों से भी एक निवेदन है कि अगर आप किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं उससे पहले मृदा परीक्षण ज़रूर करवाएं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुर्गी क्या, मुर्गी पालन कर रहा हूँ, देसी मुर्गी का जी। अच्छा, तो हैदराबाद में राजन नगर में पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी में। दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, सैयद आरिफ जी से, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, सैयद आरिफ जी बात कर रहे हैं? जी मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ मैडम। सर आपका सवाल आया था। जी मैडम। हाँ जी सर, पूछिए अपना सवाल। मुर्गी क्या, मुर्गी पालन कर रहा हूँ देसी मुर्गी का जी, ग्रोथ नहीं आ रहा मैडम जी। देखिए, तेलंगाना में आप किस जगह से हैं, हैदराबाद में हैं? हाँ, हैदराबाद से 100 किलोमीटर पे हूँ सर मैं। अच्छा, तो हैदराबाद में राजन नगर में पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जी सर। ठीक है, तो वहाँ भी थोड़ी जानकारी लें, देसी कौन सी ब्रीड है आपके पास? वो कंट्री चिक्स बोल के दिए थे वो लोग।
देसी मुर्गी है कोई प्योर बोल के? अभी जो तेलंगाना में जिन नस्ल चल रही है उसमें राजा श्री, वन राजा, गिरी राजा, ये मुर्गे की नस्ल हैं। और अगर लड़ाई के लिए लेते हैं तो असील भी है। तो खेचरी से ली थी वेंकटेश्वर से या कहाँ से ली थी? नहीं, वो प्राइवेट से लिया था सर। प्राइवेट से लिया था, वो यूनिवर्सिटी से नहीं लिया था। अच्छा, वो मार्केटिंग प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग नहीं खा रहे। इसके दाने चुगे की व्यवस्था आप देख लें, क्योंकि खुराक आप क्या देते हैं उस पर निर्भर करता है कि वो क्या उत्पादन दे रहा है या उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो एक बार क्या दाना आप देख रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये कितना एनर्जी है, दाने का मिश्रण जो आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, क्योंकि हर अवस्था पे दाने में मिश्रण में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कैलाश जी से, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, हाँ जी, कैलाश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी सर, आपका सवाल आया था। हाँ सर, आप क्या जानना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। उस 4 बीघे में कौन सी खेती की जैसे अच्छा मुनाफा हो? हाँ कैलाश जी, खेती नई आरंभ करना चाहते हैं या पहले से खेती कर रहे हैं? पहले से हो रही है ना। अच्छा अच्छा, तो सिरोही में तो कई फसलें हैं और मुनाफे की फसलें हैं। अच्छा, वही बताओ कौन। हाँ, अगर सबसे अच्छा होता है कि मुनाफे के लिए तो वनस्पति जो आप लेना चाहते हैं, खास करके सब्जियाँ उगाएं या फूल की खेती करें, या हम सिरोही का आपका तो इलाका इतना अच्छा है कि जो जिनको हम कहते हैं मसाले वाली फसलें, मसाले वाली फसलों में आपके इधर तो जीरा भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। आज होता है। तो ये आप ही को करना है तय कि मुनाफे वाली कौन सी फसलें हैं। अगर आप सिर्फ गेहूं और मक्का पे सिरोही में खेती करते रहे तो उतना नहीं होगा, तो विविधीकरण के लिए सब्जियां, फूल, मसाले वाली फसलों की खेती करना है। और आपका तो बहुत समृद्ध इलाका है। एक बात और कहूँगा, पानी का आपने जिक्र किया और मिट्टी का जिक्र किया, तो खेती में मिट्टी और पानी ये दो खेती के मुख्य आधार हैं, तो मिट्टी की जांच जरूर कराएं। एलोवेरा खेती भी आप कर सकते हैं, आपको कंद लाने पड़ेंगे और खेती करनी पड़ेगी। हाँ, तो सबसे पहले एलोवेरा कौन कहाँ आप बेचेंगे ये तय करना जरूरी है। उसका अगर अनुबंध हो जाता है तो खेती करें, या आप स्वयं अगर बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं तो एलोवेरा का रस निकालने के लिए एक्सट्रैक्टिंग प्लांट लगाएं। ठीक है, तो आप भी मतलब उसका रस निकाल के, लेकिन बेचेंगे कहाँ? अब जैसे कई कंपनियां हैं जो एलोवेरा के काम करती है, एलोवेरा का जूस बेचती हैं, या तो उनसे संबंध कर लें तभी खेती करें, क्योंकि बिना बाजार तय किए खेती करेंगे तो वो सारा निरर्थक हो जाएगा। कंपनी से कॉन्टेक्ट होगा सर, हम पता करके आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, संदीप जी से, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, हाँ संदीप जी बात कर रहे हैं? हाँ बोला। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ बोलिए सर, आपका सवाल आया था मशरूम से रिलेटेड, आप कुछ जानना चाहते हैं? हाँ सर, पूछिए अपना सवाल। वो मेरे को पूछना था मैडम कि उसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे मिलेगा, अमरावती में रहते हो महाराष्ट्र? जी संदीप जी, महाराष्ट्र में कई स्थान है जहाँ आप इस तरह का प्रशिक्षण ले सकते हैं मशरूम के लिए। तो महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ है राहुरी में। अच्छा, अगर पूना जाएंगे तो पूना में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ पर मशरूम कल्टीवेशन का एक सेंटर भी है, केंद्र है, तो वहाँ लोग भी प्रशिक्षण देते हैं। तो आप अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं, कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं, अगर वो कोई कार्यक्रम प्रशिक्षण का कर रहे हैं तो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं।
ठीक है। और सर कितने दिन का रहता ट्रेनिंग इस वाला? इसमें कई तरह की ट्रेनिंग है। पहले तो इसको उगाने के लिए ट्रेनिंग है, फिर अगर आप इसका कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं उसके लिए ट्रेनिंग है कि उगा के क्या करेंगे, पाउडर बनाना चाहते हैं, अचार बनाना चाहते हैं, किस तरह से इसका प्रोसेसिंग करेंगे उसकी ट्रेनिंग है। इसकी एक और ट्रेनिंग होती है कि आपको इसकी बिछावन बिछानी पड़ती है, कंपोस्ट जिस पे उगानी पड़ती है, तो उसकी अलग से ट्रेनिंग है। तो आप बिछावन खरीदना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं वो एक अलग ट्रेनिंग हुई, लगाने की अलग ट्रेनिंग हुई, उसके मार्केटिंग की अलग ट्रेनिंग हुई, प्रोसेसिंग की अलग ट्रेनिंग हुई। तो सबका अलग अलग कुछ कुछ दिन के कोर्स होते हैं। आप अपनी दिलचस्पी उनको बताएं, और अगर पूरी ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो पूरी ट्रेनिंग भी है। अगर देश में सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर तो हिमाचल में सोलन में है, जहां हमारा अनुसंधान का सबसे बड़ा कार्यक्रम चलता है, तो वहां से भी पूरे भारत से लोग आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। अगर आप उनसे जानकारी ले लेंगे तो वो भी ट्रेनिंग देंगे। और डिंगरी मशरूम पे तो पुणे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे सभी कॉलर्स को। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप भी जानना चाहते हैं खेतीबाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। हमारा पता है 52 गजेबो हाउस, 3rd फ्लोर, गुलमोहर क्रॉस रोड, जुहू, मुंबई 400049। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं 0114601650 और 4601652। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0976957704। हमारी ईमेल आईडी है feedback@greentvindia.com।